विक्रम कुमार, वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज़ कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजंस फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आर करंट लोकेशन। आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इंडिया मीडिया की न्यूज़ खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20,000 से 30,000 बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला, तुसी जुड़ चुके हो प्यारे दर भारत न्यूज़ नाल। मौजूद हाँ सिरसा दे डीसी ऑफिस दे बाहर। डीसी ऑफिस दीआं तस्वीरां दिखा रहे हाँ कि सिरसा, पूरे सिरसा जिला तो जो माँ बाप ने, बच्चों के माँ बाप ने इत्थे इकट्ठे होए ने कि जो यूक्रेन के अंदर बच्चे फसे हुए हैं, उन्हां दे जो हालात ने बहुत नाजुक है। 0 डिग्री ते टैंपरेचर है, इत्थों तक कि बच्चों नूं खाना तक नहीं नसीब हो रहा। बच्चों के जो हालत ने, हालात ने बहुत ही भयंकर ने। जो माहौल है वह तुहानूं सोशल मीडिया ते वीडियो राही दिख रहा होएगा कि किन्ने हालात बदतर तो बदतर हालात ने। बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, रहन की सुविधा नहीं है, इतों तक कि फ्लाइटा भी बहुत घट जा रही हैं, तो दिन रात की गोलाबारी है। पेरेंट्स नाल गलबात करते हाँ तो जानते हाँ कि उन्होंने की डिमांड है, वह की चाहते हैं, तो भारत सरकार तो उन्होंने की उम्मीद है। नाम तुहाडा? श्याम लाल जी। हाँ जी, बप्पा पिंड तो सिरसा हरियाणा जी। हाँ जी, की मैटर है? मैटर है जी, साडे बच्चे यूक्रेन MBBS स्टडी वास्ते गए हुए जी, 5 साल हो गए बच्चे नूं। उत्थे हुण माहौल बहुत खराब है, बमबारी चल रही है, रूस ते अपने यूक्रेन की बहुत ज़्यादा जबरदस्त लड़ाई हो रही है, तो खारकी इन्ना बुरा हाल है जी, दिन रात गोलीबारी चली जाती है जी। बच्चों को बहुत परेशानी है, खाण पीन की समस्या है, बेसमेंट बच्चे रहने बहुत तंग हो रहे जी, जिहड़ा टैंपरेचर है -डिग्री ते है, तो बच्चों रात को थले रहना, सर्दी में सर रात बैठना बहुत परेशानी है जी। जल्दी तो जल्दी बच्चों को निकालने की कोशिश की जाए, बहुत परेशान है बच्चे और पेरेंट्स भी बहुत परेशान है जी। डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिता, कहिंदे असीं पूरी कोशिश करांगे, भारत सरकार को तुहाडी एप्लीकेशन पहुँचावांगे और बच्चों को कढ़ांगे, पूरी कोशिश है। मीडिया ते सर कमेंट आ रहे ने, वीडियो वायरल हो रही ने कि बिल्कुल जो बच्चे फसे हुए ने उन्होंने फ्री लेके आया जा रहा है, उससे की कहना? हाँ बिल्कुल, वैसे जिन्हें बच्चे आ रहे हैं, 5 फ्लाइटा लगभग आई ने, सब फ्री आ रही ने। लेकिन सिरसा की गल करिए तो काफ़ी बच्चे 80,000 रुपए की टिकट भी पहुंचे हैं। हाँ जी हाँ जी, पहला 80,000 टिकटा भी हुई हैं, मैं मेरे बेटे की 60,000 की टिकट करवाई सी, लेकिन बच्चे ने मतलब 26 तरीक न उतो चढ़ना सी, उड़ान सी उन्दी, लेकिन वो युद्ध पहला शुरू हो गया तो बच्चा रह गया। ठीक है। हाँ जी हाँ जी सर। मैडम, मेरी हमारी भारत सरकार से ये डिमांड है भी जो फ्लाइट के राउंड है वो बढ़ाए जाएं। अब डेली 2 फ्लाइट आ रही है, 1 फ्लाइट के अंदर 250 बच्चे आते हैं, बच्चे बांस पर हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए हुए हैं। तो दूसरा जो बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर 16-17 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, तो बॉर्डर के यूक्रेन वाली साइड में कोई प्रबंध नहीं है, ना खाने का ना पीने का। बच्चों से बात हुई है, बोले जी वहाँ कोई प्रबंध नहीं है, 4-4 दिन हो गए बच्चों को लाइन में लगे हुए, -डिग्री टेम्परेचर में बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, 4-5 दिन बाद में बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं बच्चे, वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है बच्चों को। तो हमारी सरकार से ये डिमांड भी, एक तो बॉर्डर के ऊपर जो हमारे इंडियन कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, दूसरी जो फ्लाइट की है वो संख्या बढ़ाई जाए, कोशिश ये हो भी अगर एयरफोर्स के कार्गो भेजे जाएं जिनके अंदर के 400-500 बच्चे एक फ्लाइट में आ जाएं तो बेटर रहेगा। मैन जो भारत का हमारा, मैं आत्माराम सरपंच अनिहड़ा और मेरा बच्चा यूक्रेन में है, हम एम्बेसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको मैसेज तो कम से कम टाइम टू टाइम दिया जाए। एम्बेसी कुछ भी नहीं कर रही, इंडिया की अपनी भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, एम्बेसी को ड्यूटी लगानी चाहिए कि बच्चों तक ये बात तो पहुंचे कि भी आप सेफ रहो या हम आपको निकाल रहे हैं। बच्चे वहाँ इस चीज़ के लिए बहुत ही दम घुटन हो रहा है उनका कि हमारी तरफ से कोई, एम्बेसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही बात आ रही है कि आप सेफ रहो,
कैसे सेफ रहेंगे? चार दिन पहले सेफ थे, अब जैसे जैसे बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही है, चार दिन पहले बच्चे अच्छे थे, आज जो बच्चा सुनता है इस महामारी में या इस लड़ाई में, तो बच्चे का हौसला टूटता जा रहा है। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी चीज़ का प्रबंध किया जाए, जैसे हम लोग हैं, हमारे से कोई अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, धनराशि की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा बहुत देने को तैयार हैं, जितना भी हमारे से हो सकता है। पर हमारे बच्चे, इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं, जितने भी बच्चे हैं इंडिया के, वो सेफ टू सेफ लेकर आए, और हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जी। शॉर्ट कर देखो, आप ऐसे मत घबराओ, बच्चे सबके अपने जी, अपने सबके बच्चे हैं जी। देखो तो क्या की कहना चाहोगे, बच्चे फंसे हुए ने की कहना चाहोगे? मैं तो इस सरकार के कहना चाहनी, मेरे जितने भी इंडिया के बच्चे ने जल्द से जल्द विषय होने चाहिए। बस तुम्हारा बच्चा कितने साल तो जो 5 साल खारकी बच्चे है मैडम जी। एक और है जी, खारकी है, जो खारकी सिटी है उसमें जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त फंसे हुए हैं, उनके लिए पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ये बॉर्डर 1200 से लेकर 1600 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इनके लिए वहाँ से आ पाना बहुत ही मुश्किल है। बट रशियन बॉर्डर मात्र 40 किलोमीटर पर है। तो हम भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से यही प्रार्थना करते हैं कि खारकीव के बच्चों को रशिया बॉर्डर की तरफ से निकाला जाए, वो ही एकमात्र विकल्प है, और कोई विकल्प नहीं है। खारकी में 3-4 हज़ार के लगभग बच्चे फंसे हुए हैं, और उनके पास अब पानी, राशन, खाने पीने की वस्तुएं वो धीरे धीरे दिन पर दिन कम हो रही हैं। एक टाइम का कल बच्चों को खाना मिला, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होने के कारण बेसमेंट में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ बच्चों का बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा है, क्योंकि उनको पूरी मात्रा में डाइट नहीं मिल रही। तो हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, भारत सरकार पूरी जोर से कोशिश कर रही है, लेकिन इस निकासी का, इस जो निकासी का सिस्टम बना रखा है, इसमें और ज़्यादा तीव्र गति से प्रबंध किए जाएं। जो गंगा मिशन चला रखा है, इसको फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाकर जल्दी से जल्दी बच्चे जो बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, जो हमारे बच्चे यूक्रेन से, ये कीव से, लवीव से पोलैंड बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, वहाँ उनके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको छत मिल रही है वहाँ, दो तीन दिन से वहाँ -5-6 डिग्री के टेम्परेचर पे, आइस पे वो स्नोफॉल हो रही है। तो इसमें कोई वो है नहीं, मेडिकल लाइन से जहाँ से मर्जी प्रूव कर लो, वो बच्चों के हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, बच्चों को अब अपनी लाइफ का पूरा लाले पड़े हुए हैं, पेरेंट्स पैनिक हो रहे हैं। भारत सरकार सबसे पहले इस चीज़ को प्रायोरिटी दे, बच्चे जल्दी से जल्दी निकाले जाएँ। हमें पूरा गर्व है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर, वो वर्ल्ड के आदर्श नेता है, देयर इज नो डाउट। थैंक यू। हाँ जी, थोड़ा हमारे बच्चों को वहाँ अम्बेसी में अगर कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते, ना कोई एडवाइजरी दे रहे हैं। मैं छतरिया गांव से हूँ, मेरा बेटा 5th ईयर में वहाँ है अब, तो वो कोई उनके ना फ़ोन उठाते हैं। कॉल होती है, वीडियो कॉल होती है, अब वो कह रहे हैं अभी हम कोशिश करेंगे निकलने की, पर बाहर फायरिंग हो रही है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको खाने का भी नहीं मिल रहा है। हॉस्टल वालों के पेरेंट्स का फ़ोन आया, अभी हमारे बच्चे बंद है, हॉस्टल बाहर से बंद कर दिया और बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 500 बच्चे हैं हॉस्टल के की मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस वक्त, वो गेट बंद हो गया, तो ना कोई खोलने वाला है वहाँ, ना बच्चे बाहर निकल सकते। अब बच्चे कोशिश करें तो कैसे करें वहाँ से निकलने की। थैंक सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला, तुसी जुड़ चुके हो पैरेदार भारत न्यूज़ नाल। मौजूद हाँ सिरसा दे डीसी ऑफिस दे बार, डीसी ऑफिस दीआं तस्वीरां दिखा रहे हाँ कि सिरसा, पूरे सिरसा जिला तो जो माँ बाप ने, बच्चों के माँ बाप ने इत्थे इकट्ठे होए ने कि जो यूक्रेन दे अंदर बच्चे फसे हुए ने, उन्हां दे जो हालात ने बहुत नाजुक है, 0 डिग्री ते टैंपरेचर है, इत्थों तक कि बच्चों नूं खाना तक नहीं नसीब हो रहा। बच्चों के जो हालात ने बहुत ही भयंकर ने। जो माहौल है वह तुहानूं सोशल मीडिया ते वीडियो राही दिख रहा होएगा कि किन्ने हालात बदतर तो बदतर हालात ने। बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, रहन की सुविधा नहीं है, इतों तक कि फ्लाइटा भी बहुत घट जा रही, तो दिन रात की गोलाबारी है। पेरेंट्स नाल गलबात करते हाँ तो जानते हाँ कि उन्होंने की डिमांड है, वह की चाहते हैं, तो भारत सरकार तो उन्होंने की उम्मीद है। श्याम लाल जी। हाँ जी, बप्पा पिंड तो सिरसा हरियाणा जी। हाँ जी, की मैटर है? मैटर जी, साढ़े बच्चे यूक्रेन MBBS स्टडी वास्ते गए हुए जी, 5 साल हो गए बच्चे, उत्थे हुण माहौल बहुत खराब है, बमबारी चल रही है, रूस ते अपने यूक्रेन की बहुत ज़्यादा जबरदस्त लड़ाई हो रही है, तो खारकी विच इन्ना बुरा हाल है जी, दिन रात गोलीबारी चली जाती है जी, बच्चों को बहुत परेशानी है, खाण पीन की समस्या है, बेसमेंट बच्चे रहने बहुत तंग हो रहे जी, जिहड़ा टेंपरेचर है -1 डिग्री ते है, तो बच्चों रात को थले रहना
सर्दी में सर रात बैठना बहुत परेशानी है जी। जल्दी तो जल्दी बच्चे निकालने की कोशिश की जाए, बहुत परेशान है बच्चे और पेरेंट्स भी बहुत परेशान है जी। डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिता, कहें अं पूरी कोशिश करा, भारत सरकार को एप्लीकेशन पहुँचावे और बच्चों क्ढा पूरी कोशिश है। सर कमेंट आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है कि बिल्कुल जो बच्चे फसे हुए हैं उन्होंने फ्री लेके आया जा रहा है, उससे की कहना? हाँ बिल्कुल, वैसे जिन्हें बच्चे आ रहे हैं, पांच फ्लाइटा लगभग आई ने, सब फ्री आ रही ने। लेकिन सिरसा की गल करिए तो काफ़ी बच्चे 80-80 हज़ार रुपये की टिकटें भी पहुंचे? हाँ जी हाँ जी, पहला 80-80 हज़ार टिकटा भी हुई हैं। मैं मेरे बेटे की 60 हज़ार की टिकट करवाई थी, लेकिन बच्चे ने मतलब 26 तरीक न उतो चढ़ना सी, उड़ान सी उनकी, लेकिन वो युद्ध पहला शुरू हो गया तो बच्चा रह गया। ठीक है। हाँ जी मैडम, मेरी हमारी भारत सरकार से ये डिमांड है भी जो फ्लाइट के राउंड है वो बढ़ाए जाएं। अब डेली दो फ्लाइट आ रही है, एक फ्लाइट के अंदर 250 बच्चे आते हैं, बच्चे बांस पर हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए हुए हैं। तो दूसरा जो बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर 16-17 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, तो बॉर्डर के चुकरेन वाली साइड में कोई प्रबंध नहीं है, ना खाने का ना पीने का। बच्चों से बात हुई है, बोले से वहाँ कोई प्रबंध नहीं है, 4-4 दिन हो गए बच्चों को लाइन में लगे हुए, माइनस डिग्री टेम्परेचर में बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, 4-4 5-5 दिन बाद में बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं बच्चे, वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है बच्चों को। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है, एक तो बॉर्डर के ऊपर जो हमारे इंडियन कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, दूसरी जो फ्लाइट की है वो संख्या बढ़ाई जाए, कोशिश ये हो भी अगर एयरफोर्स के कार्गो भेजे जाएँ जिनके अंदर के 400-500 बच्चे एक फ्लाइट में आ जाएं तो बेटर रहेगा। मेन जो भारत का हमारा, मैं आत्माराम सरपंच अंडीड़ा और मेरा बच्चा यूक्रेन में है, हम एम्बेसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको मैसेज तो कम से कम टाइम टू टाइम दिया जाए। एम्बेसी कुछ भी नहीं कर रही इंडिया की, अपनी भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, एम्बेसी को ड्यूटी लगानी चाहिए कि बच्चों तक ये बात तो पहुंचे कि भी आप सेफ रहो या हम आपको निकाल रहे हैं। बच्चे वहाँ इस चीज़ के लिए बहुत ही दम घुटन हो रहा है उनका कि हमारी तरफ से कोई एम्बेसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही बात आ रही है कि आप सेफ रहो। कैसे सेफ रहेंगे, 4 दिन पहले सेफ थे, अब जैसे जैसे बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही है, 4 दिन पहले बच्चे अच्छे थे, आज जो बच्चा सुनता है इस महामारी में या इस लड़ाई में तो बच्चे का हौसला टूटता जा रहा है। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी चीज़ का प्रबंध किया जाए, जैसे हम लोग हैं, हमारे से कोई अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, धनराशि की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा बहुत देने को तैयार हैं जितना भी हमारे से हो सकता है, पर हमारे बच्चे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं जितने भी बच्चे हैं इंडिया के, वो सेफ टू सेफ लेकर आए, और हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद जी। शॉर्ट कर देखो, आप ऐसे मत घबराओ, बच्चे सबके अपने जी, अपने सबके बच्चे हैं जी, देखो तो आप की कहना चाहोगे, बच्चे फंसे हुए ने की कहना चाहोगे? मैं तो इस सरकार के कहना चाहनी, मेरे जिन्ने भी इंडिया के बच्चे ने जल्द जल्द विषय बनने चाहिए। बस तुम्हारा बच्चा कितने साल तो जो 5 साल खारकी विच है? मैडम जी एक और है जी, खारकीव है, जो खारकीव सिटी है उसमें जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त फंसे हुए हैं, उनके लिए पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ये बॉर्डर 1200 से लेकर 1600 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इनके लिए वहाँ से आ पाना बहुत ही मुश्किल है। बट रशियन बॉर्डर मात्र 40 किलोमीटर पर है, तो हम भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से यही प्रार्थना करते हैं कि खारकीव के बच्चों को रशिया बॉर्डर की तरफ से निकाला जाए, वो ही एकमात्र विकल्प है, और कोई विकल्प नहीं है। खारकीव में 3-4 हज़ार के लगभग बच्चे फंसे हुए हैं, और उनके पास अब पानी, राशन, खाने पीने की वस्तुएं वो धीरे धीरे दिन पर दिन कम हो रही हैं। एक टाइम का कल बच्चों को खाना मिला, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होने के कारण बेसमेंट में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ बच्चों का बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा है क्योंकि उनको पूरी मात्रा में डाइट नहीं मिल रही। तो हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, भारत सरकार पूरी जोर से कोशिश कर रही है, लेकिन इस निकासी का, इस जो निकाल ये निकासी का सिस्टम बना रखा है, इसमें और ज़्यादा तीव्र गति से प्रबंध किए जाएं। जो गंगा मिशन चला रखा है, इसको फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाकर जल्दी से जल्दी बच्चे जो बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, जो हमारे बच्चे यूक्रेन से, ये कीव से, लवीव से पोलैंड बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, वहाँ उनके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको छत मिल रही है, वहाँ दो दो तीन तीन दिन से वहाँ -5-6 डिग्री के टेम्परेचर पर आइस पे वो स्नोफॉल हो रही है। तो इसमें कोई वो है नहीं, मेडिकल लाइन से जहाँ से मर्जी प्रूव कर लो, वो बच्चों के हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, बच्चों को अब अपनी लाइफ का पूरा लाले पड़े हुए हैं, पेरेंट्स पैनिक हो रहे हैं। भारत सरकार सबसे पहले इस चीज़ को प्रायोरिटी दे, बच्चे जल्दी से जल्दी निकाले जाएँ। हमें पूरा गर्व है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर, वो वर्ल्ड के आदर्श नेता है, देयर इज नो डाउट। थैंक यू। हाँ जी,
हमारे बच्चों को वहाँ अम्बेसी में अगर कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते, ना कोई एडवाइजरी दे रहे हैं। मैं छतरिया गांव से हूँ, मेरा बेटा 5th ईयर में वहाँ है अब, तो वो कोई उनके ना फ़ोन उठाते हैं। कॉल होती है, वीडियो कॉल होती है, अब वो कह रहे हैं अभी हम कोशिश करेंगे निकलने की, पर बाहर फायरिंग हो रही है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको खाने का भी नहीं मिल रहा है। हॉस्टल वालों के पेरेंट्स का फ़ोन आया, अभी हमारे बच्चे बंद है, हॉस्टल बाहर से बंद कर दिया और बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 500 बच्चे हैं हॉस्टल के की मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस वक्त, वो गेट बंद हो गया तो ना कोई खोलने वाला है वहाँ, ना बच्चे बाहर निकल सकते। अब बच्चे कोशिश करें तो कैसे करें।